तो गाइस जो गाना अभी आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये गाना दोस्तों टिकटॉक में बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। आपको भी दोस्तों अगर इस गाने का VFX वीडियो बनाना है तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और गाइस जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखता है उसको पता है दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका से बताता हूँ इस तरह का वीडियो आपको कैसे बनाना है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हो तो नीचे आपको यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो का यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है कुछ इस तरह से, दोस्तों आपको 3 से 5 सेकंड का कुछ इस तरह का आपको एक वीडियो शूट कर लेना है। शूट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए मैं अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करके पूरा आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अभी फ्रेंड्स आपको बीच में ये नियुक्ति फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के 3 एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको टिकटॉक बनाने का एस्पेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको फ्रेंड्स 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर का आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जो मोबाइल या DSLR से आप वीडियो को शूट किए थे 3 या 5 सेकंड का, उसको फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको राइट साइड में ये मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से गाइस उस फाइल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ फाइल है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ और ये फ्रेंड्स मेरा देख सकते हैं 2 सेकंड का है। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने इस वाले वीडियो का जो लास्ट वाला बैकग्राउंड वीडियो है उसको मैंने दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो आप मेरे इस वाले टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों अभी आपके डिस्प्ले में फ्लैश हो रहा है। मैं फ्रेंड्स जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करके उस वाले वीडियो का सिलेक्शन करूंगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूं। सिलेक्शन कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स जो ये बीच में आपको जो ये ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा आपको इस वाले ट्रांजेक्शन में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस जो आपको ट्रांजेक्शन सिलेक्शन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा, आपको फ्रेंड्स इस वाले ट्रांजेक्शन में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका स्पीड होगा वो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको लास्ट तक कर देना है, मतलब 0 रखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ओके करके बाहर आ जाना है। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखिएगा तो गाइस आपका वीडियो जो है दोस्तों कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके इस तरह का आप वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हो तो नीचे आपको यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।